स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बेटा हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर, मैथ्स की वर्कशीट नंबर 48, जो आपको मिलेगी 23 अक्टूबर को। सो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में। बेसिकली ये डाटा जो है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, किस किस टाइप का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं। सो साइड में आपको कुछ डाटा जो दिया हुआ है, नेम ऑफ द बॉलर, ABCD चार बॉलर दिए हुए हैं, उनके 10-10 ओवर हैं, उसमें से मेडन ओवर यानी कि जिसमें नो रन, कोई भी रन नहीं आया, वो ए के 2 हैं, बी का 1 है, सी के 2 हैं और डी के 1 हैं। रन जो उन्होंने दिए हैं, ए ने 40 रन दिए हैं 10 ओवर में, बी ने 30 रन दिए हैं, सी ने 20 रन दिए हैं और डी ने 50 रन दिए हैं। और विकेट्स जो लिए हैं वो 3, 2, 1 और 4 ऐसे विकेट्स जो है वो इन्होंने लिए हैं, ठीक है। सो इसमें से क्या देखने को मिलता है, देखो, चिल्ड्रंस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके टीचर जो है वो डेली अटेंडेंस लगाते हैं स्कूल में आके बच्चों की, या फिर क्या होता है जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो मार्क्स की जो है वो लिस्ट तैयार की जाती है कि मैथ्स में इतने, साइंस में 100 में से इतने, ठीक है, या कोई भी टेस्ट होता है एग्जामिनेशन वगैरह उसके अंदर। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन क्रिकेट का स्कोर बोर्ड, जो आप देखते हो आजकल IPL चल रहा है तो उसके अंदर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलता है। सो वो जो है वो दिया गया आपको। अब यहाँ पे क्या है, यू नो दैट, ये हमें पता है, यू नो दैट दैट इन ए गेम ऑफ क्रिकेट द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द स्कोर बोर्ड इज नॉट सिंपली अबाउट हु वॉन एंड हु लॉस। ये नहीं होता कि कौन जीता है कौन हारा है, सब कुछ होता है उसके अंदर, किसने कितने रन बनाए हैं, कितनी बॉल के अंदर बनाए हैं, कितनी उसकी सेंचुरीज हो चुकी है, उसने 50 बनाए हैं या 100 बनाए हैं, कितने उसके शतक हो चुके हैं, 100 हो चुके हैं, किस बॉलर ने कितने रन दिए हैं, कितने मेडन ओवर यानी कि जिसमें रन नहीं आए हैं, कितनी विकेट ली हैं, ठीक है, टोटल कितने ओवर उसके पास थे, सब कुछ डाटा जो है वो उसके अंदर होता है। इन स्कोर बोर्ड यू विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम। फॉर इंस्टेंस यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोरर, यानी कि किसने कितनी बॉल में कितने रन बनाए हैं या किसने कितनी बॉल में कितने रन दिए हैं बॉलर ने, उसने कितने विकेट लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। Every day we come across a wide variety of information in the form of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम गया था तो अलग अलग हिस्सों में कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है या मिलीमीटर बारिश हुई है वो देखने को मिला, या अभी प्रेजेंटली कोरोना चल रहा है तो कौन से देश के अंदर कितने कोरोना के मरीज हैं, या इंडिया की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर कितने कोरोना के मरीज हैं, तो ये डाटा जो है वो हमें देखने को मिलता है, एक डाटा की कलेक्शन ही है ये। उसके बाद देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज स्टडीड इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एक ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसके अंदर मीनिंगफुल डाटा यानी कि एक्सट्रैक्शन की जाती है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की, कुछ एक डाटा के अंदर से जो हमें चाहिए होता है उसकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो हम निकालते हैं। आपके पास काफ़ी सारी रफ इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें से आपको जितनी चाहिए होती है वो होती है हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। In our day-to-day life, you must have been several kinds of tables consisting of numbers, figures, names, etc. जैसे आपकी क्लास में मार्क्स की लिस्ट होती है, या आपके टीचर का अटेंडेंस शीट जो है वो होती है, या आपका टाइम टेबल जो होता है, काफ़ी सारे हम टेबल्स और जो है वो नंबर्स फिगर्स के नाम से ये देखने को मिलते हैं हमें। सो हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 है हमारे पास, देखिए, पहला है कंस्ट्रक्ट ए टेबल बाई कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपने आप हाइट्स देखनी है, ठीक है, आप सेंटीमीटर मीटर में जैसे भी लेना चाहते हो, तो 20 स्टूडेंट्स लेने हैं, यहाँ पे नाम लिख लेना है, जैसे आपकी स्टूडेंट क्लास में कोई राम नाम का स्टूडेंट है, राम, उसके बाद में श्याम, राधे, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट आप सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा, तो सेंटीमीटर में आप लिखोगे कि कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, 200, जैसे भी आप लेना चाहते हो कोई भी हाइट आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी क्लास की बात कर रहे हो, कोई भी, जैसे 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं तो आप 100, 200 ऐसे कुछ भी हाइट्स जो है वो लेके चल सकते हो, दैट डजंट मैटर। तो आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है, ये आप लोग खुद करोगे दोनों एक्टिविटीज़। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपने करना क्या कुछ है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एक्टिविटी नंबर 2, उसके अंदर देखिए, कंस्ट्रक्ट ए टेबल बाई कलेक्टिंग द डाटा ऑफ नंबर्स ऑफ एबसेंटीज ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास इन लास्ट 1 वीक। 1 वीक में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मंडे लिखोगे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और लास्ट इज सैटरडे। आप देखोगे कि कितने नंबर, मान लो सैटरडे को आपकी क्लास में कितने हैं कि 40 बच्चे हैं, 40 में से मंडे को 10 एबसेंट हैं, ठीक है, ट्यूसडे को 7 एबसेंट हो गए, वेडनेसडे को 15 एबसेंट हो गए,
थर्सडे को 5 एब्सेंट हो गए, फ्राइडे को फिर अगेन 6 एब्सेंट हो गए, और सैटरडे को मान लो अगेन 10 एब्सेंट है बच्चे। तो आप ऐसे करके इनकी एक कलेक्शन बना सकते हो, यही लिख सकते हो जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस टेबल के अंदर। नेक्स्ट वन इज, इन द फर्स्ट एक्टिविटी द इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाई योर सेल्फ विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर माइंड। फर्स्ट एक्टिविटी में देखो आपने जो है वो जो मेजरमेंट्स या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है अपने माइंड से, एंड इस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। बट सेकेंड में क्या है, एबसेंटीज है। एबसेंटीज मतलब ये आपने कलेक्ट नहीं की है, ये किसने कलेक्ट की है, आपके टीचर ने कलेक्ट किया। आप टीचर के जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें से देख के लिखोगे, यानी कि दैट इज नोन एज प्राइमरी। जो स्कूल रिकॉर्ड के लिए यूज हो रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी, यू कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड। पहले वो स्कूल रिकॉर्ड में आ चुकी है, उसके बाद आप उसको ले रहे हो, तो वो हो गया सेकेंडरी। वो आपके टीचर के लिए वो प्राइमरी है, बट जब आप टीचर से आप ले रहे हो तो सेकेंडरी, यानी कि दूसरा हो गया ना, सेकेंड हो गया, दैट मीन्स कि ये होगा सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की, बहुत ही इजी वर्कशीट है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, तो एक नज़र मार लेते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर और समझ लेते हैं कि क्या कुछ हमने उसके अंदर करना है, ठीक है। सो फटाफट से देख लेते हैं। सो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ से आप जो डाटा कलेक्ट करते हो वो देखना है हमने। सो पहला देखिए, 5 एग्जांपल्स मैंने दी हैं, आप 4 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 1 लिखनी है 1 लिख लो, आपकी मर्जी है। आपको बड़े क्वेश्चंस इसलिए करवाए जाते हैं ताकि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भूल जाओ, आपको 4 लाइन इसलिए करवाई जाती है ताकि अगर आप भूल जाओ तो कम से कम 2 लाइन लिख के आओ। तो कभी भी छोटे आंसर्स के पीछे मत भागा करो बेटा, जो आपको आंसर यहाँ पे करवाए जाते हैं ना वो देखा जाता है कि उस प्रश्न में पूछा क्या है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से करवाए जाते हैं। छोटे प्रश्नों के पीछे मत भागा करो, मैं आज बोल रही हूँ आपको, ये बात आपको बहुत आगे जाके समझ आएगी, पर आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। तो इसमें से 3-4 जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। सो देखिए, 5 एग्जांपल्स है, पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर लिख सकते हो, नंबर्स उनका नाम लिख सकते हो। नंबर ऑफ फैंस इन आर स्कूल, स्कूल के अंदर कितने फैंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फर्स्ट क्लास में कितने हैं, सेकेंड में कितने हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आर हाउस फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो आप कलेक्ट करके लिख सकते हो कि कितना आपकी यूनिट्स जो है वो आपने यूज़ किया और कितना उसके ऊपर कितने पैसे जो है वो आए हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द टेलीविजन और न्यूज़पेपर से आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों के इलेक्शन रिजल्ट में कौन कौन सी पार्टीज जो है वो आई हैं, 10 सालों के नहीं मतलब 10 बार जो हुए हैं उनके अंदर। लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, भारत के अंदर लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता दर है वो कितनी है, कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी हुई हैं, कितने पुरुष पढ़े हुए हैं, उनकी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपने जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, नीचे आपको दी हुई है बेटा, आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकेंड कर लेना आप, ये भी उठा के लिख सकते हो, ये 5ों भी आप जो है उठा के लिख सकते हो, ये भी आपका पहले का आंसर बन सकता है, आप लिख सकते हो। बाकी अगर आपको अलग लिखने हैं तो आप अलग लिख लो। सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। सो फर्स्ट है, शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आप क्लास 9 में हो, अपनी क्लास के 10 बच्चों के जो शू के साइज हैं, जूतों का जो साइज है वो अपने आप लिख सकते हो, यानी कि ये प्राइमरी डाटा है। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ यूर फ्रेंड्स, आप अपने 20 फ्रेंड्स से 20 दोस्तों से पूछ सकते हो कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है ABCD, आप अपने लेवल पे, क्योंकि आजकल तो सबको पता होता है, आपके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हर एक के फैमिली डॉक्टर से जाके पूछो, आप उनसे पूछ सकते हो। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स, ये भी आप खुद कलेक्ट कर सकते हो, ये भी एक प्राइमरी डाटा ही है, आप उनसे पूछोगे वो आपको बता देंगे, आप लिख सकते हो। मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, आप बच्चों से पूछ सकते हो अपनी क्लास के अंदर, वो आपको मार्क्स बता देंगे, तो ये प्राइमरी डाटा है। इसके अलावा ये सेकेंडरी भी हो सकता है, अगर आप मार्क्स की लिस्ट अपने टीचर से जाके लेते हो तो ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये प्राइमरी भी हो सकता है। लास्ट इज नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग द वन महोत्सव आएगा बेटा, ये वन दूसरा है, ये वन महोत्सव है, ठीक है। वन महोत्सव के दौरान जो है वो कितने प्लांट्स जो है वो 100 स्कूलों ने प्लांट किए, तो अब आप 100 स्कूल में अलग अलग जाओगे तो नहीं, वो तो अलग अलग सिटीज़ में आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे वहाँ पे आपका जो भी वन विभाग है यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके उनके क्लर्क से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो लास्ट वन जो है वो आपका सेकेंडरी डाटा टाइप है, ठीक है। सो ये आपको दिख रहा है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे,
उसके बाद में ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। सो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ पोस्ट करके लिख लें। सो नेक्स्ट मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशल बेनिफिट्स के लिए, तो वो मेरी मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की। आपको सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन दिखेगा, आप उसको प्रेस करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अलग अलग जो है वो फैसिलिटीज़ जो है इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि दूसरों से पहले आपको कोई वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग आपके जो डाउट्स होंगे उनको लाइव जो है वो सॉल्व करवाया जा सकता है, या आपके कमेंट्स जो है वो मेंबर्स होंगे उनके कमेंट्स का अलग से रिप्लाई जो है वो करने की, यानी कि उनको प्रायोरिटी देने की ट्राई किया जाएगा। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए, अलग अलग पोस्ट जो है वो डाली जाएंगी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 3 लेवल्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।